मैक्सिमम हर मटकी में दोस्तों अंडे और बच्चे आ चुके हैं। बर्ड्स की सेहत भी देख लो दोस्तों, काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा अंडे जो है फर्टाइल हो जाते हैं दोस्तों। विमरल काफी अच्छा लिक्विड सप्लीमेंट है, इसे आपने अपने बर्ड्स को जरूर देना है, खास तौर से उन बर्ड्स को जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं दोस्तों। इसे देने के आपके बर्ड्स को जो लाभ है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों जे मेरे हाथ में है विमरल, 120 ml की बोतल है दोस्तों और 200 रुपया इसकी MRP है। दोस्तों बात करें इसके गुणों की तो आप इसे किसी भी बर्ड को दे सकते हैं जो आप घरों में पालते हैं, चाहे वो मुर्गियां हो, कबूतर हो या बजिस पैरट हो, फिंचिस हो, कॉकटेल हो। अभी इसमें दोस्तों पाए जाने वाले जो सप्लीमेंट है, जो विटामिन है, इसमें विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन B12 दोस्तों पाया जाता है। और ये आपके बर्ड्स की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है दोस्तों उसको भी ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। बात करें दोस्तों ब्रीडिंग को लेकर तो दोस्तों हमारी कॉलोनी में दोस्तों लगभग हर मटकी में दोस्तों अंडे बच्चे आए हुए हैं। किसी में दोस्तों 5 अंडे हैं, किसी में 4 अंडे हैं, किसी में काफी ज्यादा जो है ब्रीड हमारे पास इस समय जो आई हुई है दोस्तों, क्योंकि हम अपने बर्ड्स को जो है विमरल निरंतर देते रहते हैं। दोस्तों जब बर्ड ब्रीड करता है तो दोस्तों वो जो है अपनी शक्ति को गवा देता है दोस्तों, क्योंकि जब बर्ड अंडे देता है या बच्चों को पाल रहा होता है दोस्तों तो वो क्या होता है उसके अंदर से दोस्तों विटामिन और मिनरल्स की काफी ज्यादा कमी होने लग पड़ती है। दोस्तों आप अपने बर्ड्स को विमरल जरूर दें। विमरल को आप अपने बर्ड्स को जब देते हैं दोस्तों तो बर्ड्स जो है काफी अच्छा ग्रोथ करता है दोस्तों, बर्ड का साइज काफी ज्यादा अच्छा होता है और दोस्तों बर्ड्स के फैदर भी काफी ज्यादा शाइनी हो जाते हैं, जो बर्ड की सेहत की एक निशानी माने जाते हैं। जिस बर्ड के फैदर शाइनी होंगे समझ लीजिएगा वो बर्ड हेल्दी है। बर्ड्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और बर्ड्स काफी ज्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। जब बर्ड ब्रीड करता है तो बर्ड की अंडे की तादाद भी इससे जो है बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा अंडों में जो बच्चे निकलते हैं, अंडे खराब होने के चांस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं दोस्तों, और जो बच्चों का साइज होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। बर्ड्स के चिक्स जो उनके निकले होते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे ग्रोथ करते हैं दोस्तों, और दोस्तों दिखने में भी वो काफी ज्यादा सुंदर और उनके फैदर काफी ज्यादा शाइनी होते हैं। दोस्तों अब बात करें कि विमरल को दिया कैसे जाता है। दोस्तों हमने 1 लीटर पानी में 5 ml विमरल को मिलाएंगे। दोस्तों आपने जब भी अपने बर्ड्स को विमरल को देना है तो क्वांटिटी का हिसाब आप अपने मन मुताबिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 100 बर्ड्स के पीछे 5 ml विमरल आप दे सकते हैं। दोस्तों हमारी इस ब्रीडिंग कॉलोनी में लगभग 200 बर्ड से ऊपर बर्ड्स इस समय मौजूद हैं और चिक्स को मिलाकर ये तादाद और भी बढ़ जाती है, और हम इसमें 5 ml विमरल ही मिलाएंगे, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल 2 दिन हफ्ते में किया करेंगे। क्योंकि 2 दिन विमरल अगर आप अपने बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स को जो है किसी प्रकार की जो है कमजोरी नहीं रहेगी और बर्ड आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छी ब्रीड करेगा और आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे। दोस्तों विमरल को मिक्स करने के लिए मैं इस तरह की एक बकेट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है विमरल काफी अच्छी तरह से मिल जाती है। दोस्तों ये देखिए, अगर आप ऐसे खुले में विमरल को मिलाएंगे तो ये इतनी अच्छी तरह से नहीं मिलेगी, ऐसे करके पूरी तरह से ये पानी में अच्छी तरह से मिल जाती है। दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बर्ड्स के लिए कुछ भी, चाहे वो लिवर टॉनिक हो, एंटीबायोटिक हो या विमरल हो या ऑस्टोबैट हो, दोस्तों किसी प्रकार की लिक्विड मेडिसिन जब आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं तो उसे देने का जो सही तरीका दोस्तों वो ये है कि आपने रात को अपने बर्ड्स के केज में या ब्रीडिंग कॉलोनी में पीने का पानी को उठा देना है, और सुबह आपने अपने बर्ड्स को जब भी पीने का पानी देना है तो उसमें आपने अपना जो लिक्विड सप्लीमेंट जो आप अपने बर्ड्स को देना चाहते हैं, चाहे वो विमरल हो
या लीवर टॉनिक हो या एंटीबायोटिक हो या किसी प्रकार का कोई भी लिक्विड सप्लीमेंट आप अपने बर्ड्स को देना चाहते हैं तो उसे आप सुबह दें। रात को पीने का पानी आप अपने बर्ड्स के केज से या कॉलोनी से। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।